हमें यहाँ पर वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट देखना है। इनिशियली अगर अपन बात करें तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इवेंट्स के एग्जांपल्स फ्रेम कर देखे थे, राइट, है ना। अब इवेंट्स के जो एग्जांपल्स हम लोगों ने फ्रेम कर देखे थे, जिसमें मैंने आपको माउस इवेंट बता दिया था, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, मैंने उसमें ऑन माउस ओवर, ऑन माउस मूव, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, ये बता दिया था। फिर उसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट या फिर विंडो इवेंट्स देख लिए थे, जिसमें आपने ऑन लोड, है ना, रिसाइज, ये देखा था। फिर उसके बाद में आपने की इवेंट्स देखे थे, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, है ना, ये सारी चीजें आपने कवर अप करी थी। फिर आपने फॉर्म इवेंट्स देखे थे, ऑन सबमिट, है ना, फिर ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन चेंज, ये आपने देखे थे, राइट। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों ने फ्रेम किए थे। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो अपन इसमें और भी एग्जाम्पल्स फ्रेम कर देख सकते हैं, है ना। और मैं आपको कुछ और असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी बता दूंगा जो आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसी में कुछ और एग्जाम्पल्स भी मैं अपने साइड से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स में सेशन में इंक्लूड कर बता दूंगा, राइट, आने वाले सेशन में, राइट। तो अभी अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, या जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपके पास में एक और कंसेप्ट आता है, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज द कंसेप्ट इज ऑफ वैलिडेशंस, राइट। अब ये वैलिडेशन की कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है, तो आपने फॉर्म बनाना देखा है, फॉर्म कैसे बनाते हैं, आपको HTML में फॉर्म बनाना आता है, राइट। अगर नहीं भी बनाना आता होगा तो अभी एक बार मैं जब बनाकर बताऊंगा तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के केस में फॉर्म बनाकर, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के केस में आपने इनपुट फील्ड के ऊपर वैल्यू कैसे गेट करते हैं और उसके ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये भी आपने आपके प्रीवियस सेशंस में देखा था, तो वो भी चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर है, उसकी भी मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। और उसके अलावा फिर अगर अपन बात करें तो अब हम यहाँ पर ये जो वैलिडेशन का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, नॉर्मल फील्ड पे बताया तो था जो तुमने भी पूछा था डाउट, ठीक है। तो उसके अलावा फिर अगर अपन बात करें कि इसमें आप और क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें, है ना, तो हम वैलिडेशन का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो जो वैलिडेशन का कंसेप्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो वैलिडेशन का कंसेप्ट आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो वैलिडेशन का कंसेप्ट आप बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास में मेरी इनपुट फील्ड एम्प्टी है ना, तो उस केस में क्या होगा, है ना। फिर अगर मैं बात करूं कि मैंने इनपुट फील्ड में जो कंटेंट लिखा हुआ है अगर उसके ऊपर वैलिडेशन लगाना है, तो फिर वो रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लगाऊंगा, वो कैसे होगा, है ना। अगर मुझे इनपुट फील्ड एम्प्टी पर साइड में मैसेज चाहिए, है ना, कि फर्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड, लास्ट फील्ड रिक्वायर्ड, तो वो कैसे होगा, तो वो सारी चीज के वैलिडेशन हम यहाँ पर अपने सेशन में इंप्लीमेंट कर देखेंगे, और अपने आने वाले एग्जाम्पल्स में वो सारी चीजों को अपन फ्रेम करेंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर सबसे पहला वैलिडेशन का एग्जाम्पल देखने, और वो सबसे पहला जो वैलिडेशन का एग्जाम्पल है उसमें हम करेंगे क्या, तो उसमें मैं सिंपली आपको बस इतना बताऊंगा कि मेरे पास में कुछ फॉर्म की फील्ड्स है, और अगर वो एम्प्टी है, और अगर आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है, तो उस केस में वो आपको ये बताएगा कि यहाँ पर फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, या फिर यूजर नेम रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, जेंडर रिक्वायर्ड, है ना, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। तो ये ऐसा सिर्फ एक एम्प्टी फील्ड के सबमिशन पर आपको एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपना वो रहेगा, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैं यहाँ पर आकर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम डेमो 13, राइट। तो मैंने लिखा यहाँ पे डेमो 13.html, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वैलिडेशन, ठीक है, एग्जाम्पल, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट किया। एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट करने से होगा क्या, यहाँ पर तो बेसिक आपको HTML का सिंटेक्स मिल जाएगा, तो एक बेसिक सिंटेक्स तो आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, तो अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है H2, मैं सिंपली यहाँ पर आया, मैंने लिखा है H2, और H2 के बाद में अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर क्या होगा, तो H2 के बाद में अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया है क्या, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन, राइट, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन, अपन यहाँ पर आ गए। अब जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के बारे में अगर अपन बात करें कि अब क्या होगा यहाँ पर, तो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के केस में अगर अपन बात करें, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सबसे पहले तो लिख लिया है फॉर्म, फॉर्म में एक्शन, और यहाँ पे फॉर्म का ओपन किया है, फॉर्म को मैंने क्लोज किया, राइट। अब इसके बाद में तो इसके बाद में मैंने फिर लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर लिखा है इनपुट, ठीक है, और इनपुट के अलावा भी अगर अपन बात करें तो ठीक है, काफी है वैसे, इनपुट फील्ड भी है, ठीक है, अपन यहाँ पे डायरेक्टली फील्ड्स ही बना लेंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक अपन फील्ड्स बनाएंगे, राइट। तो मैंने लिखा है यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, प्लेस होल्डर, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट एंटर यूजर नेम, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। इसके अलावा मैं और क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आईडी, और आईडी में भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है,
यूजर नेम, रिकर्व। अपन आते हैं अब यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है क्या बी आर, मैं यहाँ पर आया, मैंने फिर लिखा है इनपुट टाइप पे मैंने लिख लिया है यहाँ पर ईमेल, इन प्लेस ऑफ प्लेस होल्डर आई एम गोइंग टू राइट एंटर ईमेल, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट आईडी, आईडी में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या ईमेल, अगेन आई एम गोइंग टू राइट बी आर हियर, फिर मैंने लिखा है इनपुट, इनपुट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यूजर नेम लिख लिया, ईमेल लिख लिया, राइट। अब यूजर नेम और ईमेल के ऊपर आप जो यहाँ पर वैलिडेशन के लिए कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, वही कंसेप्ट आप आपके सेलफोन बोले तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकते हो, आप वही पासवर्ड के ऊपर कर सकते हो, आप वही कंफर्म पासवर्ड के ऊपर कर सकते हो, है ना, वही आप एड्रेस के ऊपर कर सकते हो, तो सेम चीज आप चार जगह कर सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूजर नेम और ईमेल पर मैं बता रहा हूँ, बाकी चार पर आपको इम्प्लीमेंट वो सारी चीजें करना रहेगी। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा यूनिकली अगर अपन देखें तो अपन सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या रेडियो। अब रेडियो लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है मेल, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमें नेम भी लिखना रहेगा, और नेम में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जेंडर। अब नेम मैंने क्यों लिखा है, तो नेम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे रेडियो बटन का यूज करते हैं, है ना, तो ये रेडियो बटन क्या बोलता है, तो अगर आपने चार रेडियो बटन बनाए हैं तो वो चारों रेडियो बटन के ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन देगा, राइट, वो चारों रेडियो बटन के ऊपर क्या करेगा, सिलेक्ट का ऑप्शन देगा, बट मैं ऐसा चाहता हूं कि उन चार में से सिर्फ वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही सिलेक्ट हो, तो उस केस में फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ग्रुप का कंसेप्ट यूज करेंगे, और वो ग्रुप बनाने के लिए, उन मल्टीपल रेडियोज का ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा नेम, और नेम में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर जेंडर, राइट। तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है लेबल, और लेबल में मैं क्या करूंगा यहाँ पर फॉर, और फॉर में मैंने क्या लिख दिया है वो आईडी, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मेल। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब आप रेडियो बटन बनाते हैं तो आगे वो एक सर्कल आता है और फिर नीचे पीछे मेल लिखा हुआ रहता है। अब मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं वो मेल पे भी क्लिक करूं तो वो सर्कल पे क्या हो जाए, सिलेक्ट वाला ऑप्शन इंप्लीमेंट हो जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लेबल लिखेंगे, लेबल के अंदर आप फॉर एट्रीब्यूट लिखेंगे, उस फॉर के अंदर आपके पास में आईडी रहेगी, और उसके बाद में आप यहाँ पे मेल लिख देंगे, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे करा है कॉपी, मैंने फिर से इसको करा है पेस्ट, और मैं यहाँ पर आकर अब क्या लिखूंगा, तो मेल की जगह मैंने लिख लिया यहाँ पर क्या फीमेल, मैं यहाँ पर आया मैंने लिखा है फीमेल, मैं यहाँ पर आया मैंने लिखा है यहाँ पर फीमेल, ठीक है क्या, ठीक है, या एक काम करते रुको, देखो मैंने यहाँ पर इसे हटाया, मैंने सिंपली यहाँ पर बस ऐसा लिखा है मेल, अभी बताता हूँ, है ना, मैंने यहाँ से इसे हटाया, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है फीमेल, राइट, ठीक है, अभी मैंने ऐसे ही लिखा। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या करेंगे, तो इसके अलावा अपन एक काम और ये करते हैं कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्या सब्जेक्ट। अब जैसा कि आपको पता है कि आईडी और नेम मतलब बेसिकली होता क्या है, तो आप ऐसा बोलेंगे कि ये जो आपने इनपुट या ये जो आपने सिलेक्ट वाली जो फील्ड बनाई है, मतलब ये जो एलिमेंट आपने लिखा है, अगर आपको क्लाइंट साइड पर इससे डील करना है तो आप आईडी से इसकी वैल्यू को गेट करोगे, और अगर या आप ऐसा बोल सकते हो कि क्लाइंट साइड पर अगर आपको डील करना है जिसमें आपको इसकी वैल्यू से डील करना है, या फिर आपको इसकी हाइट विड्थ कलर फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज इससे डील करना है तो आप आईडी से डील करोगे, और अगर आप इसको किस पे चाहते हैं सर्वर साइड पर, कि आप ऐसा चाहते हैं कि यार इसकी वैल्यू मुझे कहाँ पे मिले या कहाँ पर इसकी वैल्यू स्टोर हो सर्वर साइड पर, कि मैं यहाँ से वैल्यू को गेट करके उसकी वैल्यू को अपने डेटाबेस में जाकर क्या कर दूं सेट कर दूं, तो उस केस में इस स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू को आप यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट से क्या करते हो गेट करने का काम करते हो, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने नेम में भी सब्जेक्ट लिख दिया है और मैंने आईडी में भी सब्जेक्ट लिख दिया है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट के अंदर आएगा क्या, तो सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर आता है आपके पास में ऑप्शन, और ये ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे, तो आपने सिंपली लिख दिया यहाँ पे क्या सिलेक्ट सब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत। फिर अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या ऑप्शन, ऑप्शन में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है सी लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पर अपन आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है सी लैंग्वेज, राइट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद में आपके पास में इतने सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपने कर दिया सी प्लस प्लस, आपने कर दिया सी शार्प, ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया है जावा, आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है पीएचपी, राइट, आपने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है यहाँ पर पीएचपी, यहाँ पर आकर आपने क्या लिख दिया है
जावा, यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया है, सी शार्प आपने कर दिया, सी प्लस प्लस, और ये ऐसा कुछ आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट। अब फिर अगर मैं बात करें अब इसके अलावा और क्या होगा यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है ना। अब इसके अलावा, तो इसके अलावा मुझे बटन बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो बटन बनाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट इनपुट टाइप सबमिट, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट वैल्यू एज द नेम ऑफ बटन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर सबमिट, राइट। और सिमिलरली मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने इनपुट लिखा, मैंने टाइप में क्या लिख दिया है यहाँ पे रीसेट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है वैल्यू, और वैल्यू में मैं क्या लिख दूंगा रीसेट, क्लियर है यहाँ तक। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन फिर चलाकर देखते हैं, तो मैंने कंट्रोल प्लस F5 को प्रेस किया एज अ शॉर्टकट, मैंने वेब ऐप को यहाँ पर एंटर किया, आप देखेंगे ब्राउजर पर आपको आपका आउटपुट देखने को मिलेगा। अब ये जो ब्राउजर पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है, जिसमें मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने BR यहाँ नहीं लगाया ना, ठीक है, मैंने एक और BR लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप एक और BR लगा दें तो ज्यादा बेटर है, क्या ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पर आपने करा क्या है, तो यहाँ पर आपने यूजर नेम लिखा है, आपने यहाँ पर ईमेल लिखा है, आपने यहाँ पर जेंडर लिखा है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट लिखा है, आपने क्या लिख दिया है सबमिट या फिर रीसेट, राइट। अब ये तो आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पर, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यूजर नेम और ईमेल है ना, पे जो आप वैलिडेशन लगाएंगे वही वैलिडेशन आपके एड्रेस पर लग जाएगा, आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट है ना, डेट ऑफ बर्थ, इन सब पे लग जाएगा। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करें, तो ये जो आपने यहाँ पर लगाया है, ये जेंडर के लिए रेडियो का यूज किया है आपने, तो अगर आप इस पे जो वैलिडेशन लगाएंगे तो यही वैलिडेशन आपके चेकबॉक्स के ऊपर भी लग जाएगा, और फाइनली आपने यहाँ पर किस पे लगाया है, ये सिलेक्ट वाले पर आपने लगाया है, राइट। तो अब ये क्या चीजें इंप्लीमेंट होगी, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अब क्या चीजें इंप्लीमेंट होगी, कैसे चीजें इंप्लीमेंट होगी, अगर मुझे ये डिस्कस करना है तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब ध्यान से देखना इधर। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये मेल दे के रखा है, ये फीमेल दे के रखा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेल सिलेक्ट हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फीमेल सिलेक्ट हो गया, लेकिन अब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर ये मेल पे क्लिक करूँ तो भी ये यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए अब आप यहाँ पर आए, और उसके लिए यहाँ आने के बाद में आप सिंपली लिखेंगे लेबल, ठीक है, और इस लेबल के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो जो आईडी में मेल दे के रखा है तो वो आप किसमें लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्म में उसकी आईडी मेंशन कर देंगे, और अब उसके बाद में फिर अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो इसके लिए अब आप यहाँ पे लिख देंगे मेल। और फिर से आते हैं, फिर से समझना, मैंने यहाँ पे करा क्या है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर लेबल मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर लिखेंगे, और उस फॉर के अंदर आपके पास में क्या आएगी, आईडी आएगी, किसकी, जिससे आपको उसको अटैच करना है। तो मैंने बोला कि यार जो ऊपर फीमेल लिखा हुआ है मुझे इससे इसको अटैच करना है, लिंक करना है, मैंने उसकी आईडी यहाँ पर मेंशन कर दी है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है फीमेल, क्लियर है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब आप देखें यहाँ पर आप अगर यहाँ पे मेल पे भी क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, फीमेल पे भी क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, तो अपने को बाकी की चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, क्या मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ है ना, तो ये यहाँ पर ये ऐसा ना हो है ना, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, रुक जाए है ना, वो सारी चीजें आपको देखना है यहाँ पर, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर अपन क्या करेंगे यहाँ पे। तो मैंने ये जो फॉर्म में एक्शन लेके रखा हुआ है, इसमें मैंने यहाँ पे लिख लिया है welcome.html, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा welcome.html, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में मैं एक welcome.html पेज बना लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या वेलकम, मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने इन सबको हटा के मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, राइट। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेलकम यूजर, मैंने ये ऐसा लिखा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है एंकर टैग। एंकर टैग मतलब पता है ना क्या होता है, एंकर आपने HTML में पढ़ा था, एंकर एक टैग होता है ना, जो कि एक हाइपर रेफरेंस देता है, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है डेमो, और आई थिंक वो कौन से नंबर का था, 13 नंबर का था, राइट, डेमो 13.html, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है या तो क्रॉस लगा दूंगा, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या क्लोज, क्लियर है यहाँ तक। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैंने करा क्या, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे मैंने जैसे ही सबमिट किया तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ गया,
वेलकम यूजर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया आपका क्लोज। जब अगर आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने क्लोज पे क्लिक किया तो वापस से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे राइट। लेकिन अब ये तो प्रॉब्लम है ना कि आपकी फील्ड्स तो क्या थी, खाली थी, और एम्प्टी फील्ड्स पर आपने क्लिक किया तो आप तो आगे पहुंच गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर आप उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया और डेमो 13 पर आया, और डेमो 13 पर आने के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पे फॉर्म, और फॉर्म में मैंने क्या देखे रखा हुआ है, मुझे क्या देखे रखा है यहाँ पर एक्शन। अब फॉर्म में मेरे को यहाँ पर एक्शन देखे रखा हुआ है, मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है ऑन सबमिट। बस आपने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया है, आपने यहाँ पर ये एक्शन में लिख दिया है वेलकम डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे तो क्लिक करने पर आप इस पेज पर चले जाएंगे ठीक। फिर अपन बात करें यहाँ पर अब क्या होगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो ये अपन ने बनाया तो सही अभी ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑन सबमिट। अब ऑन सबमिट पर मैं करूँगा क्या, तो ऑन सबमिट पर मैंने लिखा है यहाँ पर वैलिडेट। वैलिडेट नाम के फंक्शन की मैं क्या करूँगा यहाँ पर कॉलिंग करूँगा। अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर क्या आएगा, तो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा है फंक्शन। फंक्शन में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है वैलिडेट। क्लियर है क्या यहाँ पर। अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब ध्यान से समझना यहाँ पर है ना। अब मैंने यहाँ पे वैलिडेट तो लिखा है ना, अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा सिंपली यहाँ पे आर ई टी यू आर एन रिटर्न ठीक है। अब रिटर्न में मैंने क्या करा है, तो रिटर्न में मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो। क्लियर है क्या यहाँ पर है ना, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आए, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता, अलर्ट तो नहीं लिखेंगे अपन, खैर मैंने चलो ठीक है बस ऐसे ही लिखा, मैंने वहाँ पर रिटर्न हेलो ही लिखा है ना। अब अगर मैं रिटर्न हेलो लिखता हूँ है ना, तो और या एक और चीज़ अगर आपको देखना है तो आप ये देख लो कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने अभी प्रिंट करवा दिया है हेलो है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखो आपने जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया है ना, तो अभी देखो ये यहाँ पर कहाँ पर आ गया, ये आपका डायरेक्टली वेलकम यूजर पर आ गया है ना। और वेलकम यूजर पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया, आप इंस्पेक्ट पर आए, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप देखिए कंसोल कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या, ये कंसोल है, और कंसोल पर कहीं पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं कंसोल पर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आया। अब मैंने वैलिडेट को कॉल किया बट स्टिल यहाँ पर वो प्रिंट नहीं हुआ, ऐसा क्यों। देखो दिखा था ना अभी वो एकदम से हेलो आया था, फिर से देखना इधर, देखना इधर है ना, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ है ना, वो हेलो आया था, बट वो हेलो आया और फिर आपने क्या करवा दिया यहाँ पर, स्क्रीन को चेंज करवा दिया ना, स्क्रीन को चेंज करवा दिया, तो उस केस में वो वैसे गड़बड़ हो रही है, मतलब आपको दिख नहीं रहा है, वो स्क्रीन रुक नहीं रही है। आप एक काम करें, आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखो, आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने रिफ्रेश किया, आपने सबमिट पर क्लिक किया ठीक है, बट स्टिल वो देखो वो यहाँ पर भी ये हैश राउट आ गया, बट वो स्टिल वो रुक नहीं रहा है क्योंकि वो अपन दूसरे पेज पर उसको पहुँचा रहे है ना। तो ये चीज समझ में आई वैसे आपको कि हुआ क्या यहाँ पर, तो समझ में आया या नहीं आया। इसको रोकने का एक तरीका अपन और देखते हैं यहाँ पर कि कभी अगर रुकता है अगर ये, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना ऐसा कुछ लिखता हूँ इवेंट, पहले इसको चला कर देखते हैं कि क्या ये चल रहा है क्या ठीक है। और अपन आते हैं यहाँ पर इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा बट ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, वो गड़बड़ी है। तो एक बार देखो फिर से हमें ठीक है ना, वो से कुछ गड़बड़ी करा है अपन ने है ना। पैरामीटर भी आप पास कर देख लो, यहाँ पे पैरामीटर पे भी अपन लिखेंगे तो क्या इवेंट भी लिखते। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, देखना था ध्यान से यहाँ पर अपन ने इसको रिफ्रेश किया, मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ
देखो ये आ गया यहाँ पर, है ना। तो अब इससे क्या हुआ यहाँ पर कि मैंने इवेंट पास किया है ना, पैरामीटर पास किया, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, ये हैश है ना। तो इससे क्या हुआ यहाँ पर, हैश लिखने से नहीं, हैश तो नहीं गया अपन ने, तो यहाँ पे वेलकम डॉट एचटीएमएल ही लिख के रखा हुआ था, लेकिन ये जो मैंने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा था, इससे ये हुआ कि पेज आपका रिलोड नहीं हुआ, पेज आपका रिलोड नहीं हुआ है ना। मतलब आप देखें यहाँ पर आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में वापस से यहाँ पर आए, डेमो 13.html, ठीक है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पर वो लोड नहीं हुआ, और यहाँ पर उसने क्या प्रिंट कर दिया आपको, हेलो। तो इससे एक चीज ये समझ में आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने ये सिंपली रिटर्न हेलो करवाया तो भी चल गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो देखना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू, यहाँ से क्या करवा रहा हूँ ट्रू, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे इसको सबमिट किया, तो देखो वहाँ क्या लिखा हुआ गया ट्रू। अपन आते हैं यहाँ पर, ट्रू के बाद मैंने क्या करा यहाँ पर, अब इस केस में भी यहाँ पर ये देखो, अगर मैं ये इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट अगर नहीं लिखता, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पर सबमिट किया, तो देखो वो ट्रू आया, चले गया और वापस अपन आगे बढ़ गए, ठीक है। अब इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे ट्रू की जगह और क्या लिख लेता, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है फॉल्स, इसको सेव किया, यहाँ पर आया। अब देख रहे इधर जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, तो देखो वो फॉल्स आया और मैं आगे बढ़ गया। तो मतलब मेरे को एक चीज ये समझ में आ रही है कि मैंने अगर हेलो रिटर्न करवाया तो भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ट्रू रिटर्न करवाया तो भी आगे बढ़ रहा हूँ, फॉल्स रिटर्न करवाया तो भी आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब वो जो मैंने फंक्शन को कॉल करवाया है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वहां से वो क्या रिटर्न कर रहा है, सब में ही वो मुझे क्या कर रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये तो गड़बड़ है ना, क्योंकि वहां से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसके बेसिस पर ही आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे कंट्रोल को लेकर जाना भी है या फिर नहीं। तो फिर अब उस केस में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब इस चीज को ये समझो ऐसा आप क्या कि यहाँ पर है ना, ये इवेंट मैंने हटाया, ये प्रिवेंट डिफॉल्ट भी मैंने हटाया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर भी मैंने ये इवेंट को हटाया। अब यहाँ पर एक चीज ये समझो कि जैसे ही आपने बटन को क्लिक किया तो ये ऑन सबमिट जो आपका इवेंट है ना, ये चलेगा। इसके अंदर आपने फंक्शन की कॉलिंग करके रखी हुई है ना। तो होता क्या है बेसिकली कि जो फॉर्म टैग है उसके अंदर जो बटन है, तो वो बटन पे क्लिक करने पे कंट्रोल कहाँ जाता है, फॉर्म के अंदर जो एक्शन एट्रीब्यूट है उस पे जो नाम लिखा हुआ है वहां जाता है। बट ये जो फॉर्म टैग है ये बोलता है कि जब भी किसी फॉर्म के अंदर से बटन पर अगर क्लिक होता है, तो क्लिक होने पर है ना, अगर यहाँ पर आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है, तो पहले वो फंक्शन की कॉलिंग होगी और उसके बाद में वो क्या करेगा, जो भी एक्शन देके रखी हुई है उस एक्शन के ऊपर ये उसको कंट्रोल को क्या करेगा, पहुंचाने का, भेजने का, सेंड करने का काम करेगा। लेकिन अब मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे पास में जो ऊपर से रिटर्न वैल्यू आ रही है उसके बेसिस पर डिसाइड हो कि उसको आगे जाना भी है या फिर नहीं। तो फिर वैसा करने के लिए आप क्या करेंगे, तो अभी जो आपने कोड लिखा था उससे तो ये हो रहा था कि भले ही ट्रू हो, भले ही फॉल्स हो, भले ही हेलो लिखा हो या भले ही कुछ भी लिखा हो, वो तो आपको फॉरवर्ड आगे कर ही देगा। बट मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा ना हो। तो फिर अब उस केस में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न। अब ये रिटर्न लिखने से क्या होगा यहाँ पर, तो रिटर्न लिखने से सिंपली ये होगा कि यहाँ पर जब आपने जैसे ही बटन को क्लिक किया है, तो जो फॉर्म है ये एक्शन पे ले जाने के पहले आपको एक मौका देता है कि आप आपके इवेंट हैंडल कर लो है ना, इवेंट को चला लो। तो जैसे ही वो इवेंट हैंडलर फंक्शन चलेगा, तो वो इवेंट हैंडलर फंक्शन ऊपर से कुछ वैल्यू लेकर आएगा, जैसे या तो हेलो या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये रिटर्न स्टेटमेंट आने वाली वैल्यू को फॉर्म के पास में भेजेगा, और अब वो जो फॉर्म के पास में जब उसने भेजा है, तो फॉर्म ये देखेगा कि यहाँ पे ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है या फिर कोई कंटेंट आ रहा है। अगर कोई कंटेंट आ रहा है तो भी वो उसको ट्रू समझ के आगे पहुंचा देगा, अगर ट्रू आ रहा है तो भी उसको आगे पहुंचा देगा, लेकिन अगर फॉल्स आ रहा है तो उस केस में वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। मतलब मेरे को एट द एंड एक चीज ये समझ में आई है कि अगर ऊपर से रिटर्न फॉल्स होता है तो ही मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, अदर देन फॉल्स कुछ भी आता है तो मैं आगे चले जाऊंगा। तो अगर आपको देखना है क्या और कैसे, तो आप देखो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अभी यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, राइट। अब रिफ्रेश किया तो अब क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं सबमिट कर रहा था तो वो वेलकम वाले पेज पे जा रहा था, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर सबमिट किया तो अब देखो यहाँ पर क्या आया, फॉल्स। लेकिन वो आगे गया क्या, नहीं।
लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर अब कर दिया है सिंपली क्या है ट्रू, मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे ट्रू। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा सबमिट, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो देखो ट्रू से लेकर आगे पहुंच गया ना, ट्रू लेकर आगे पहुंच गया ना वो। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो, वो फॉल्स के कारण हुआ है, आपने फॉल्स करा है तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर अदर देन क्या करा है, अदर देन आप अगर फॉल्स करते हो तो उस समय आगे आपको पहुंचा देगा, तो आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके आपने जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो देखो वो हेलो आया और हेलो लेकर वो आगे पहुंच गया, तो वो सिर्फ फॉल्स में आपको आगे नहीं जाने देगा, बाकी सब में वो आपको आगे जाने देगा, राइट। तो अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी कि मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 17 पर ऑन सबमिट में रिटर्न वैलिडेट क्यों लिखा है, सिर्फ वैलिडेट ही क्यों नहीं लिखा, क्लियर है। हाँ रिटर्न की वजह से हुआ ना, क्लियर हुआ। हाँ तो वो बिना रिटर्न अगर आप लिखेंगे तो वो आगे जाएगा ही सही है ना, और वो रुकेगा भी नहीं है ना, बट अगर आप रिटर्न लिखेंगे तो ही वो यहाँ पर फॉल्स कंडीशन पर आपको आगे जाने से रुकेगा, अदरवाइज वो आपको सारी सिचुएशन में आगे पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना यहाँ पर अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्या वेर, वेर मैंने लिखा है यहाँ पे यूजर नेम, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के केस में भी यहाँ पर होगा क्या, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के केस में यहाँ पर मैंने सिंपली सबसे पहले क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है कि इफ, इफ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यूजर नेम डॉट वैल्यू, अगर इक्वल्स टू क्या होता है खाली, इफ यूजर नेम डॉट वैल्यू डबल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिख रखा हुआ है आपको खाली, ठीक है। तो अब इफ यूजर नेम डॉट वैल्यू अगर खाली है तो अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन अलर्ट देंगे, और अलर्ट में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो अपन अलर्ट में लिखेंगे यहाँ पे यूजर नेम रिक्वायर्ड, क्लियर है क्या। मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है कि यूजर नेम रिक्वायर्ड, अब यूजर नेम रिक्वायर्ड के बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर यूजर नेम, ठीक है डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर फोकस, ठीक है वापस से वो यूजर नेम पर ही क्या हो जाएगा फोकस आ जाएगा, कि ये वाली फील्ड है जिसके बारे में मैं बोल रहा था जो कि खाली है, और एट द एंड आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है फॉल्स, क्लियर है। एक बार चलाकर देखते हैं इसको, अपन यहाँ पर आए मैंने इसको रिफ्रेश किया, राइट अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या करा है यूजर नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड्रयू, मैंने करा है यहाँ पे क्या सबमिट, सबमिट करने पे देखो मैं आ गया यहाँ पे वेलकम यूजर, कोई दिक्कत। मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, या मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तब देखो आ गया यूजर नेम रिक्वायर्ड, और जैसे ही आप क्या करेंगे अभी देखो इनपुट फील्ड को देखो, वो यूजर नेम को देखो अभी नॉर्मली दिख रहा है ना, लेकिन अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, ये जो यहाँ अलर्ट में आ रहा है उसके बगल में वहीं पे आना चाहिए, वैसा होता है वो इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड लिस्ट पे आएगा नहीं, वो जैसे अपन बहुत सारे साइट्स पे लाते हैं सर, अलर्ट वहां पे अलर्ट लिख के आ जाना, जैसे बगल में भी आ जाता है। हां तो वो मैंने बोला तो था, अभी बताऊंगा किस से देख लो पहले, वो मैं ऑलरेडी बोल चुका था पहले, ठीक है यहाँ पर ये समझ में आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा करा तो ये देखो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, राइट समझ में आया। तो वो वहाँ पर कैसा आ गया, वो आपका फोकस आ गया है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या हुआ, ये आपने यूजर नेम के केस में ऐसा मेंशन कर दिया, राइट। अब ऐसा अगर मुझे किसके केस में करना है, यहाँ पर ईमेल के केस में करना है, तो अपन अब कैसे क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको ये चार फील्ड के ऊपर बता रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट सेशन में बाकी के लिए आपको पूरा जो मैंने फॉर्म बताया था आपको अपने पहले स्टार्टिंग के सेशंस में, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर यूजर नेम, फिर उसके बाद में ईमेल, पासवर्ड है ना, कॉन्टैक्ट, फिर डेट ऑफ बर्थ है ना, फिर आपका जेंडर, सब्जेक्ट,
एड्रेस है ना, ये जितनी भी फील्ड्स मैंने इंक्लूड करी थी आपको ये सारी चीजों के ऊपर नेक्स्ट क्लास में ये अलर्ट वाला कंसेप्ट इस पे इंप्लीमेंट करके लेकर आना रहेगा, राइट। तो अब अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ करा, अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ये तो मैंने किसके ऊपर लगाया है, यहाँ पर मैंने ये यूजर नेम के ऊपर लगाया है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि अब इसके अलावा क्या होगा यहाँ पर, तो मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने पर मेरे पास में ऐसा ईमेल के केस में भी हो कि अगर मेरे पास में यूजर नेम अगर फिलअप है तो ईमेल के केस में वैसा वो मुझे रिक्वायर्ड बताए, तो उस केस में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख लिया है ईमेल, यहाँ पर आकर भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ईमेल, राइट। और ईमेल के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ईमेल और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, ईमेल रिक्वायर्ड, राइट। और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में रिटर्न, और रिटर्न में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर फॉल्स, राइट। अब अगर अपन बात करें तो ये तो ईमेल के लिए मैंने लिखा है, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप देखिए मैंने इसे क्या करा है, सबमिट किया। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, मुझे यूजर नेम रिक्वायर्ड, अब यूजर नेम अगर रिक्वायर्ड मुझे अगर यहाँ पर लिखा हुआ मिला, मैंने क्या करा इसे यहाँ पर ओके, ठीक है, अब ओके करा मैंने, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एंड्रयू यूजर नेम, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, एंड्रयू एंडरसन, राइट। मैंने क्या करा यहाँ पर, सबमिट किया, सबमिट जैसे ही मैंने किया था यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, ईमेल रिक्वायर्ड, अब ईमेल रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ गया, मैंने ओके कर दिया, मैंने यहाँ पर आ गए, अब यहाँ का मैंने क्या कर दिया, एंड्रयू एट द रेट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर gmail.com, मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, क्लियर है क्या यहाँ तक, मतलब कैसे, जो भी आप उसमें यूजर रिक्वायरमेंट डालते हैं उसमें, वो बैक मतलब उस पर क्लिक करते हैं सबमिट में, तो फिर वो आता नहीं है वहां पे, हां तो सबमिट हो गया ना दोबारा से आएगा, नहीं वहां पे नहीं, मतलब जैसे वहां लाल पर आता है तो दूसरा आ जाता है, वेलकम और जो भी आता है नेक्स्ट पेज पे, हां नेक्स्ट पेज तो वो तो बैकग्राउंड पे आ गया, तो दूसरा पेज बनाया ना, तो वहां पे ये वाली चीज क्यों आएगी आपकी, वो तो डेटाबेस से फिर वो सब निकालना, यहाँ पर ये आपका जो देकर रखा हुआ है ये आपका डेमो 13 वाला पेज है, राइट, और वो जो पेज है वो आपका वेलकम वाला पेज है, तो आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो मैंने यूजर नेम और ईमेल लिखा है और मैं सबमिट करूँ तो वहां पे वेलकम और नाम लिखा हुआ है, तो वो तो बहुत आगे की चीज है ना, वो तो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपको वैसा कुछ कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज में डेटा रखना पड़ेगा और वहां पे फिर डेटा निकालना रहेगा, अभी तो ये सिर्फ आप फॉर्म के सबमिट पर आप सिर्फ वैलिडेशन चेक कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, अभी और रिमेनिंग है, पहले वो भी देखो इधर, अब यहाँ पर अपन आए, अब इसके बाद में अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अभी जो रेडियो देके रखा हुआ है, मतलब अपने पास में ये जेंडर जो देके रखा हुआ है मुझे इसके लिए भी लगाना है, और ये जो सिलेक्ट देके रखा हुआ है मुझे इसके लिए भी लगाना है, राइट, तो मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो सिंपली यू नीड टू राइट वेयर मेल इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर मेल, राइट। मेल के बाद में मैं क्या करूंगा, मैंने कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फीमेल, क्लियर है यहाँ तक, इसके बाद में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, फीमेल, ठीक है, तो मेरे पास मेल भी आ गया है, मेरे पास में क्या आ गया है यहाँ पर, फीमेल भी आ गया है, राइट। अब अगर अपन बात करें, अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है कि इफ, इफ में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो अब इफ में अपन यहाँ पे अब सिंपली क्या करेंगे, अब ये तो मेरे पास में रेडियो है, अब रेडियो है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर मेल डॉट चेक क्या इक्वल्स टू फॉल्स है क्या, एंड एंड फीमेल डॉट चेक इक्वल्स टू फॉल्स है क्या, राइट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला है मेल डॉट चेक इक्वल्स टू फॉल्स है क्या, क्योंकि वो तो रेडियो बटन है, रेडियो बटन तो क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट चेक होते हैं, तो उसके इसमें आप ये चेक करेंगे कि क्या जो मेल डॉट चेक इक्वल्स टू फॉल्स है क्या, और है ना फीमेल डॉट चेक इक्वल्स टू फॉल्स है क्या, कि क्या फीमेल भी चेक फॉल्स है क्या, अगर दोनों ही फॉल्स होते हैं तो उसके इसमें आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली बोलेंगे अलर्ट, और अलर्ट में आप क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अलर्ट में आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो आप सिंपली बोलेंगे यहाँ पर ईमेल, सॉरी आप बोलेंगे यहाँ पे जेंडर रिक्वायर्ड, राइट। और यहाँ पर ये फोकस वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं होता है, वो पुराने ब्राउजर्स में होता था, है ना, तो यहाँ पर आप लिख भी दोगे तो वो होगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ क्या करूंगा रिटर्न, और रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फॉल्स, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है यूजर नेम, यूजर नेम में मैंने लिखा है एंड्रयू, ईमेल मैंने लिखा है यहाँ पर क्या एंड्रयू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम,
मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल गया आपको, जेंडर रिक्वायर्ड। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने मेल को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करा है, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे। अब फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मेरे पास में एक और चीज बाकी रह गई थी, वो क्या था आपका, सिलेक्ट वाला, है ना। तो अब अपन उसके इसमें करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है वेर। वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गेट एलिमेंट बाय आई डी। और गेट एलिमेंट बाय आई डी के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मैं बात करें, अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है कि इफ, और इफ में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो इफ में मैंने लिखा है यहाँ पर एस यू पी जे ई सी टी सब्जेक्ट डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर जो सिलेक्ट होता है उसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं, तो उन ऑप्शन के अंदर जो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है ना, वो क्या आता है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट जेंडर, है ना, या सिलेक्ट ऑप्शंस, है ना। तो जो सबसे पहला होता है वो जीरो इंडेक्सिंग वाला कंसिडर होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है सब्जेक्ट डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स अगर जीरो होता है, कि वो पहला वाला ही होता है, चेंज अगर नहीं होता है ना, तो उस केस में भी अपन फिर यहाँ पे क्या बोल देंगे, तो अपन सिंपली यहाँ पे बोल देंगे अलर्ट, और अलर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट फोकस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर सब्जेक्ट डॉट फोकस, राइट। फिर अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो अपन देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट डॉट फोकस लिखने के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिटर्न, और रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा फिर फॉल्स। फोकस मतलब वो वहाँ पे फोकस कर रहा है इनपुट फील्ड के ऊपर। ठीक है, कि आपने यहाँ पे जैसे ही अलर्ट पे ओके करा है ना, तो वो वहां पर उस स्पेसिफिक फील्ड पर फोकस करने का काम करेगा, कि वो जो आपकी खाली फील्ड है तो कंट्रोल को लेकर कहाँ जाना है वो बताने का वो काम करेगा। हाँ है ना, अभी तो आपने देखा ऊपर तीन बार चलाकर देखा है ना। अब यहाँ पर आए, आपने उसको रिफ्रेश किया, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया तो यूजर नेम रिक्वायर्ड लिखा हुआ आया, हमने ओके पे क्लिक किया, ये आया ना फोकस यहाँ पे। सबसे पहले यही चीज बताई थी मैंने आपको, फोकस वाली। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आके क्या लिखेंगे, एंड्रिव। आपने यहाँ पर आके क्या लिखा है, ईमेल। आपने यहाँ पे लिखा है एंड्रिव एट द रेट, आपने यहाँ पे लिखा है क्या, मेल, और आपने यहाँ पे क्या करा है, सबमिट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप देखो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस आ गया, और इसके ऊपर फोकस आने के बाद में आप करेंगे क्या, तब आप यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या कर देंगे, इसे सबमिट। जैसे ही आपने सबमिट किया है तो आप कहाँ आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। ज़्यादा क्लियर है क्या सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, राइट। आप देख ले एक बार कोड कैसा क्या है, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो। ये सिर्फ एम्प्टी फील्ड के ऊपर वैलिडेशन मैंने बताया अभी, है ना, कि सिर्फ फील्ड खाली है, और अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ वो ये बताएगा कि यूजर नेम रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड, जेंडर रिक्वायर्ड, है ना। इसके बाद में अपन फिर ये देखेंगे कि जो साइड में मैसेज आते हैं वहाँ पे एस्ट्रिक लिखे हुए आते हैं, है ना, दिस फील्ड इज मैंडेटरी, तो वैसा करना है तो कैसा होगा, तो फिर अपन वो खाली फील्ड पर वो वैसे मैसेज वाला कंसेप्ट देखेंगे। और फिर उसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करना है कि ईमेल है, पासवर्ड है ना, कॉन्टैक्ट है, 10 डिजिट का ही होना चाहिए, है ना, तो वो कैसे क्या होगा, फिर वो हम देखेंगे इसमें, राइट। आप देखिए एक बार इसको, और उसके बेसिस पे ऊपर से जो रिटर्न होगी वैल्यू, तो वो जो वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी आपके फॉर्म पे, और फॉर्म उस वैल्यू के बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि उसको अब एक्शन पे भेजना भी है या फिर। अदरवाइज अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया था तो आप जो भी ऊपर से रिटर्न करवा रहे थे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ट्रू हो, फॉल्स हो, हेलो हो या कुछ भी हो, वो आपको आगे लेकर ही जा रहा था। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऊपर से अगर फॉल्स आता है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है, तो वो सिंपली चेक करेगा, है ना, मतलब जो भी रिजल्ट आया है वो उसको फॉर्म तक लेकर जाने का काम करेगा, फॉर्म पर लेकर जाएगा, और फॉर्म पर लेकर जाने के बाद में चेक करेगा फॉर्म कि अगर हाँ ट्रू आया है तो आगे लेकर जाना है, फॉल्स आया है तो आगे लेकर
नहीं जाना है, राइट? ठीक है, तो फिर इसके आगे का फिर कंटिन्यू करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास में।